यरूशलेम की तरफ से उनके जो ज्यूज़ वहाँ ज़्यादा थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि अगर मुसलमानों के जो अमीर हैं वो ख़ुद आएँ तो हम बग़ैर फाइट के सरेंडर कर देंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जब ये बात बताई गई, पैगाम भिजवाया गया, तो आपने उसको एग्री किया कि अगर बग़ैर फाइट के काम होता है तो वाई नाट। तो वो फिर वहाँ पर गए और अपना जो ग़ुलाम उनके साथ था उसके साथ उन्होंने टर्न बनाई हुई थी कि कभी वो ऊँटनी पे सवार होते थे कभी वो, लेकिन जब वहाँ करीब पहुँचे तो ऊँटनी पे सवार होने की बारी जो थी वो ग़ुलाम की आ गई और पैदल चलने की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की आ गई। ग़ुलाम ने बहुत कहा कि आप सवार हूँ मैं चलता हूँ, तो आपने कहा कि नहीं, जो एक बात हमारे दरमियान तय हुई है, अब मेरी बारी पैदल चलने की तो मैं चलूँगा। तो इससे भी वो ज्यूज़ बहुत इम्प्रेस हुए थे कि एक मतलब खलीफा है और वो पैदल चल रहा है और ग़ुलाम को उन्हीं में बिठाया हुआ है। आप फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे बग़ैर फाइट के यरूशलेम मुसलमानों के हाथ में आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ पर एक अलहदा पत्थरों पर नमाज पढ़ी। ज्यूज़ की जो इबादत गाहें थी उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर, तो इस तरह जो मस्जिद अक्सा है वो मुसलमानों के कंट्रोल में आई, यरूशलेम फतह हो गया। इसके बाद इजिप्ट की फतह भी है, फिर अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का जो आजकल भी हिस्सा है, जो किसी ज़माने में सिकंदर आज़म जिनको रोमन अलेक्जेंडर कहा जाता है उन्होंने फतह किया था, तो उन सारे एरियाज़ पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और ये यानी इस्लामिक स्टेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी। और ये वो टाइम था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज पूरे हुए जो आपने बैटल ऑफ ट्रेंच के दौरान कहे थे कि कैसर फतह हो गया, किसरा फतह हो गया। अब जब इजिप्ट फतह हुआ तो वहाँ का जो माले गनीमत बूटी आई मदीना में, तो उसमें उनके बादशाहों के कंगन थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरे भाई सुराका को बुलाया जाए, तो हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने हाथों से उनको पहनाया। वही मदीना में थे हज़रत सुराका, मिस्र के बादशाह, मिस्र जब फतह हुआ ना तो उनके जो माले गनीमत में चीज़ें आईं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको पहनाए और कहा कि आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी पूरा हो गया। तो अब जब हम आते हैं आगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो शायद इस वक्त भी अगर हम दुनिया का किसी वेलफेयर स्टेट का मुतालिया करें, स्टडी करें, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई थी या इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी वो आज भी हमें नज़र आती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी का बाकायदा सिस्टम शुरू किया। हज के टाइम में वो सारे ऑफिसर्स आते थे, गवर्नर्स और दीगर लोग, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को वो पूरी पूरी रिपोर्ट देते थे और पब्लिक को ये होता था कि किसी को इनके बारे में कोई शिकायत हो तो वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बताए ताकि इनका यहीं पे मुआसबा अकाउंटेबिलिटी हो जाए। इसी तरह उन्होंने एडमिन के एग्जीक्यूटिव जो बनाए थे उनको जुडिशरी से उन्होंने अलहदा किया, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी उसको अलग अलग किया। जैसे है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक डिप्टी कमिश्नर होता है एक डिस्ट्रिक्ट को जो चलाता है, इसी तरह एक सेशन जज होता है जो इंसाफ से रिलेटेड जो जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उसके पास होती हैं। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, जुडिशरी अलग है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने पहली दफ़ा ये काम किया। फिर उन्होंने प्रॉफिटेरिंग यानी नाजायज़ मुनाफाखोरी कि आप 5 रियाल की चीज़ रह गए 500 की बेचना शुरू कर देते हैं और चीज़ें आप पहले कंपाइल करते हैं अपने पास जमा करते हैं सोसाइटी के अंदर माशरे के अंदर, उसकी मतलब कि एक आर्जी तौर पर शॉर्टेज पैदा की जाती है, जब शॉर्टेज हो जाती है तो फिर आप ज़्यादा प्राइस बढ़ा कर बेचते हैं। तो इस काम को उन्होंने पहली दफ़ा मतलब कि एड्रेस किया, मतलब कि प्रॉपर ये होता था कि जो भी चीज़ों का फ्लो है मार्केट के अंदर वो सही रहना चाहिए और प्रॉफिट रेशो ठीक होनी चाहिए। जैसे एक उनके बारे में एक मार्केट के विजिट के दौरान एक बंदे को उन्होंने कहा कि आप अपनी प्राइस थोड़ी बढ़ा लें, दूसरे को कहा कि आप अपनी प्राइस कम कर लें ताकि एक बैलेंस प्राइसेस मार्केट के अंदर हों, किसी एक के साथ बेचने या ख़रीदने वाले के साथ ज़्यादती ना हो। इस तरह जुडिशरी को उन्होंने पूरी तौर पर आज़ाद कर दिया कि कोई, पहले भी ऐसा ही था लेकिन ये कि इस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और इसमें ज़्यादा यानी जजेस जो होते हैं जजेस
جسٹس کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ ریلیٹڈ رول رہا, جوڈیشری سے زیادہ. لینڈ ریفارمز پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے انٹروڈیوس کروائیں. پہلے لوگ یہ ہوتے تھے کہ جو بھی جس نے کسی ایریا کو کنکر کیا ہے وہاں وہ اندھا دھند اپنے کام کرتا تھا, لوگوں کو مار دیا, چیزیں لوٹ لیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ سسٹم ایک بنایا ان کی کلٹیویشن کا, زمینوں کا اور یہ سارا. پھر مسجدیں انہوں نے باقاعدہ سسٹم کے تحت بنوائیں, وہاں پہ مؤذن رکھے, ان کی تنخواہیں مقرر کیں, اسکولس کا سسٹم بنایا, سینسز جس کو مردم شماری بھی کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا. یہ سارے وہ کام ہیں جو پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کیے ہیں. اس سے پہلے حکومتیں تھیں لیکن اتنی سسٹمیٹک طریقے سے کسی نے کام نہیں کیا تھا. پھر ملٹری اور پولیس کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ کیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کی کال آ گئی ہے تو سارے مسلمان چل پڑتے تھے, جو جو اویلیبل ہوتے تھے, جو اس کو افورڈ کرتے تھے. تو پولیس کا سسٹم انہوں نے الگ کیا کہ جو